बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, वो तो पहले ही घर में थे लेकिन अब तो ऑफिशियल छुट्टियां हो गई हैं, तो क्यों ना उनके लिए कुछ बनाया जाए। और मेरे और आपके जैसे चॉकलेट लवर्स, उनके लिए भी ये परफेक्ट है, चॉकलेट क्रिंकल कुकीज़। आज हम इन्हें बनाएंगे और आप देखिएगा ये कितने मज़े की हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जब आप प्रेस करते हैं तो आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट फ़ौरन मिलेगी। जो लिस्ट आपने देखी है वो सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। इन सब चीज़ों से हम बहुत ही मज़ेदार से ब्राउनी लाइक चॉकलेट कुकीज़ बनाएंगे। ये बेकिंग की बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपने जब भी कुकीज़ या केक्स बनाने हैं तो आप सिफ्ट ज़रूर करेंगे, यानी कि जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपने छानना ज़रूर है। तो हम भी यही करने लगे हैं। कोको पाउडर में लम्प्स होते हैं, छानने की वजह से फिर ऐसी कोई शक की बात नहीं रहती कि आपकी कुकीज़ में भी जो है वो कोको पाउडर के लम्प्स होंगे। अच्छी तरह से इसको छान लीजिए, इस तरह से सब चीज़ें मिक्स भी हो जाती हैं, बेकिंग पाउडर भी बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ऑल्सो ये आपका जो बैटर है उसको एरेट भी कर देता है, यानी उसमें एयर आ जाती है जिसकी वजह से रिज़ल्ट जो है वो बहुत फ्लफ़ी होता है। तो ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, जब भी आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं उनको ज़रूर छान लिया करें। इंशाल्लाह ताला कभी भी आपका कोई केक या कोई बिस्किट ख़राब नहीं होगा। चार अंडे हैं और लार्ज साइज़ के अंडे हैं, थोड़े बड़े अंडे हैं, और इनको अच्छी तरह से आपने विस्क कर लेना है, बहुत अच्छे से बीट कर लें। आप चाहें तो हैंड बीटर यूज़ कर सकते हैं लेकिन यकीन माने उसकी ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत ही मुश्किल प्रोसेस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सब वेट इंग्रेडिएंट्स को शामिल करना है, आपने वनीला एसेंस डाल दिया, आपने ये कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने चीनी शामिल कर देनी है और चीनी को भी इसी तरह से मिक्स करना है। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मिक्स करना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होगा, आपने बस मिक्स ही करना है, वो आप अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है बीटर यूज़ करने को तो कर लीजिए, मगर ओवर बीट मत कीजिएगा। ये देख लें, मैं आपके सामने हाथ से इसीलिए मिक्स करके दिखा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मेरे पास स्टैंड मिक्सर है, मैं एक आध दफ़ा उसे इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमारे पास ये मिक्सर नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि हैंड ब्लेंडर या फिर ये जो हैंड विस्क है इसका इस्तेमाल करके दिखाऊं। तो जिनके पास बीटर नहीं है वो भी ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस अब नेक्स्ट स्टेप में हम वेट इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो हमने अंडे का मिक्सचर बनाया है उसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, कहीं से भी कोई पाउडरी फॉर्म बाकी ना रह जाए और सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये भी आप हाथ की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपकी एल्बो ग्रीस लगेगी तो अच्छी बात है, एक्सरसाइज होगी आपके हाथ की। मिलाइए इसको अच्छी तरह से, दो तीन मिनट लगेंगे ये काम करने में। इसको अच्छी तरह नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक मिक्स कीजिए ताकि ये कहीं से भी ड्राई ना रह जाए। आपका कुकी डो जो है वो बहुत अच्छे से बनना चाहिए और किसी भी चमचे की मदद से आप ये कर सकते हैं। इसको पहचानने का तरीका ये है कि ये बैटर ऐसा होगा जैसे ब्राउनी का बैटर होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना स्टिकी बैटर है। इसको केक के बैटर की तरह बिल्कुल मत समझिएगा, ये काफ़ी स्टिकी बैटर होगा। देख लें, मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आप इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगाइए, यानी कि आप इसको अच्छी तरह से सिक्योरली रैप कर लीजिए और उसके बाद आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है। तो इस स्टेज पे ये 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रह सकता है। कितनी अच्छी बात है, अगर आपने आज बनाया है तो आप आज से 4 दिन बाद भी कुकीज़ बना सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से रैप करें, टाइटली पैक करके इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। मैं 4 दिन का इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं इसको बस 2 घंटे रखूँगी फ्रिज में ताकि ये थोड़ा अच्छा से सेट हो जाए और मुझे कुकीज़ के बॉल बनाने में आसानी हो।
बस उस वक्त तक ये फ्रिज में रहेगा और फिर मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगी कि कुकीज़ के बॉल कैसे बनते हैं। इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आपको पता है। और फिर जब आप इसे निकालें, इसको थोड़ी देर डिफ्रॉस्ट होने दें और फिर आप इसकी कुकीज़ बना के बेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है और ये आपके जो है वो बहुत काम आएगी। ये देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छा पैक किया है, चला ये फ्रिज में। 2 घंटे हो गए हैं, अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। एक प्लेट रखें, वो जो आपको पीछे बोल नज़र आ रहा है उसमें पाउडर्ड शुगर है। आप इसमें कैस्टर शुगर ले सकते हैं, आप चाहें तो घर की चीनी का बिल्कुल फाइन पाउडर बना कर उसे छान सकते हैं। कैस्टर शुगर ले लें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी तरह से आप बॉल बना लीजिए। अब आपकी चॉइस है कि आप किस साइज़ का बॉल बनाना चाहते हैं। बहुत छोटा मत बनाएं, बहुत बड़ा मत बनाएं। इस बैटर से आपको 30 से 35 बॉल आराम से मिल जाएंगे। देख लीजिए, मैं इसको कुकी का शेप नहीं दे रही हूँ, मैं इसको बॉल बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब ये शुगर में कोट किया जाएगा और उसके बाद आप इसे जब बेक करने के लिए रखेंगे तो ये एक्सपेंड होगा। जैसे ही ये एक्सपेंड होगा तो ऊपर शुगर लगी हुई है तो ख़ुद ब खुद इसमें क्रैक्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे और वो वाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगेगा। तो इसलिए इसको आपने बॉल शेप में रखना है, आपने इसको कुकी शेप नहीं देना है और ना ही आपने इसको बहुत ज़्यादा हाथ में घुमाना है या कोई बहुत ही आपने इसके साथ एफर्ट नहीं करनी है। जल्दी जल्दी से गोल गोल इसके बॉल बनाएं, शुगर में कोट करें, पार्चमेंट पेपर आप ट्रे पर रखें और उसके ऊपर जो है वो इसको रखते जाइए और 2 से 3 इंच का डिस्टेंस रखिएगा है ताकि कुकीज़ एक दूसरे के साथ जुड़े ना। अवन हमारा प्री हीटेड है, इसको मैं तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए करूँगी। बाजू का तो इसमें 15 मिनट भी लगते हैं। ओवर बेक इसे आपने बिल्कुल नहीं करना है। मेरे पास ये एग्जैक्ट 12 मिनट में तैयार हो गई थी, ये चली हैं अवन में। ये देख लीजिए, ये कुकीज़ बेक होकर बाहर आ गई हैं। अब मैं आपको 2-3 टिप्स देती हूँ और वो टिप्स ये हैं कि आपने बिल्कुल टेम्प्ट नहीं होना कि ये कच्ची लग रही हैं और इनको हम और पका लेते हैं। नहीं, 12-13 मिनट में ये परफेक्ट तैयार हो जाएंगी। इनको आपने 20 मिनट्स तक बिल्कुल टच नहीं करना है, ऐसे ही उसे डिश में रहने दीजिए। 20 मिनट्स के बाद आप इन्हें वायर रैक पे रखिए और इन्हें ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडी हो जाए तो एयर टाइट जार में इनको बंद करके रखें। 4 से 5 दिन तक ये बहुत अच्छा गुजारेंगी अगर ये बच गई। मेरे पास आप यकीन करें 31 कुकीज़ बनी थी और वो बेचारी 24 आवर्स भी नहीं चली क्योंकि माशाल्लाह बहुत स्पीड में खाई गई, जो कि आपको अब नज़र ही आ रहा होगा कि किस कदर एक्साइटमेंट है मेरे बच्चों को इन कुकीज़ की। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमें अपने घरों में खुश रखे और हमारे दस्तरखान इसी तरह से आबाद रखे। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।